हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट बिजली वाला स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो ड्राइवर्स हैं उनको गार्ड रूम के अंदर जो ग्राड जैसे बाहर की जो हमारी एलिमिनेशन की जो लाइटिंग होती है, ड्राइवे की लाइटिंग होती है, उनको जो ड्राइवर्स हैं वहाँ अपने गार्ड रूम के अंदर या आपके रखे जाते हैं तो उनको फिनिशिंग किस तरह की जाए और उनको मैंने किस तरह ये सेट किया है। तो ये हमारी एक स्लिप है, इसके नीचे प्लाईबोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारी सारी वायरें यहाँ पर आई हुई हैं, हमारे सर्किट और प्लस जो हमारी आउटपुट वाली जो भी लाइटों वाली वायर हैं वो भी यहाँ पे आई हुई हैं, जिसको हम हाफ बोलते हैं, और इधर भी कुछ सर्किट आए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इधर वाला मैंने फिनिशिंग करके उसमें फ्लेक्सिबल पाइप लगा दिया है, ठीक है। ये हमारी डिमेबल जो कम्युनिकेशन की वायर है वो वाली बची पड़ी है, और इसको मैंने बड़ी तरीके से इसको फिट किया है। इसके पीछे जो है हमारे ड्राइवर्स लगे हुए हैं, आपने देखो इसको इस तरह मैंने फिनिश किया हुआ है। सारे ड्राइवर्स लगे हुए हैं, उनके नंबर्स पड़े हुए हैं कि कौन सा नंबर कौन सा सर्किट पर जुड़ेगा, सारी डिटेल में बता रखा है मैंने, ठीक दोस्तों। सबके नंबर पड़े हुए हैं, सबकी कौन सी लाइट क्या है, ये क्या है, ये बहुत पहले मैंने लिख दिया था, इसको दोबारा से मैं इसकी लिखाई करूँगा, ठीक है दोस्तों। और देखो ये मैं हॉल करके इसको साइड से कोई दिक्कत ना हो, और ये हॉल करने के बाद हॉल से मैंने वायर डाली है, और वायर डालने के बाद और ये मैंने ये कनेक्टर लगाए, कनेक्टर पीवीसी कनेक्टर, ठीक है। तो ये कनेक्टर लगाने के बाद हमने इस साइड हमारी क्या नाम है, हमारे सर्किट जुड़ जाएंगे जो कि हमारी 240 सप्लाई जुड़ जाएगी 220, और इस साइड हमारी जो आउटपुट वाली वायर है जो भी 24 वोल्ट या 36 वोल्ट जितना भी आएगा 12 वोल्ट, वो सारी वायर्स इधर जुड़ जाएंगी जो हमारी लाइटों वाली वायर है, ठीक है दोस्तों। ये हमारी आउटपुट है, ये हमारी इनपुट वो उसकी ड्राइवरों की इनपुट है, और ये हमारे मेन सर्किट हैं इधर वाले, ठीक है। ये हमारा आउटपुट की हमारा जो लाइटों वाली पाइप सर्किट है जो कि हमारी लाइटों वाला सर्किट में से आया है, और ये हमारा मेन 220 सप्लाई के सर्किट है। कुछ सर्किट ये बचे हुए हैं और कुछ सर्किट लाइटों के बचे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह हमारे लिए ठंडा भी आ चुका है दोस्तों, ठंडा पी लो, हमारा छोटू भाई लेके आया है, तो आप ठंडा पी लो तो, उसके बाद वीडियो बनाते हैं ना है इसके नीचे, क्योंकि साइड में हम लगा नहीं सकते, ये हमें दीवार बिल्कुल क्लियर चाहिए। ये हमारा जो वाटर बॉडी का पैनल है, इसके अंदर वाटर बॉडी की जो मोटर्स हैं उनकी सप्लाई यहाँ से जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये थ्री फेस मोटर का पैनल है, और ये वाला हमारा जो पैनल नीचे दिख रहा है आपको, ये हमारा जो सम्प है जिसके गड्ढे अंदर बनते हैं उनकी मोटर की यहाँ से सप्लाई जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इसको क्या है, हम इस तरह इसको यहाँ पर इसको हैंग कर देंगे, और हैंग करने के बाद इसकी वायर जो हुई है ऊपर बची रह जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें काफ़ी वजन हो चुका है तो दोस्तों इस तरह ये सारी फिट हो जाएगी, ठीक है। और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।